आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में पूछा है द फिनोमेना ऑफ डिफ्रैक्शन कैन बी ऑब्जर्व्ड व्हेन द ऑब्स्टेकल इज। देखो क्वेश्चन में सिंपल सा ये जानना चाहता है कि क्या कंडीशन होती है डिफ्रैक्शन होने की, और खासतौर से ऑब्स्टिकल के साइज से रिलेटेड। तो देखो आपको पता है कि डिफ्रैक्शन जो होता है इट डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ ऑब्स्टिकल। इस साइज ऑफ ऑब्स्टिकल पर डिपेंड करता है। अगर ऑब्स्टिकल का साइज जो आपके पास ऑब्स्टिकल है, अगर उसका साइज जो साइज मस्ट बी कंपेरेबल टू द वेवलेंथ। कंडीशन क्या होती है, जो साइज होना चाहिए ऑब्स्टिकल साइज मस्ट बी कंपेरेबल टू वेवलेंथ। अगर वो वेवलेंथ से कंपेरेबल नहीं है तो डिफ्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, ये होती पहली कंडीशन कि जो लाइट वेव्स होती हैं ना, जिनका तो उनका वेवलेंथ बहुत स्मॉल होता है। जैसे रेड का जो वेवलेंथ होता है ये अप्रोक्सीमेटली 700 नैनोमीटर के आसपास होता है। तो आपको पता चल रहा होगा कि लाइट का वेवलेंथ तो बहुत कम है। तो अगर जो ऑब्स्टिकल है उसका साइज भी इसी लिमिट के आसपास होगा तभी हमको डिफ्रैक्शन का फिनोमेना दिखाई देगा। तो डिफ्रैक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है या मस्ट कंडीशन है कि जो आपका ऑब्स्टिकल का साइज हो वो कंपेरेबल होना चाहिए। ठीक है, तो बाकी आपने जो दो डिफ्रैक्शन पढ़े होंगे, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन और इसके अलावा फ्रेसनेल डिफ्रैक्शन, तो दोनों डिफ्रैक्शन में आपको स्पेशली बताया गया होगा कि जो साइज हो वो वेवलेंथ के कंपेरेबल होना चाहिए, तभी दोनों डिफ्रैक्शन होते हैं। ठीक है, और एक डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग जो होता है ये एक ऑप्टिकल डिवाइस होता है जिसका नाम होता है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। ठीक है, इस डिवाइस का यूज क्या करते हैं कि इसमें एक ग्लास होता है, एक पॉलिश्ड मेटल सरफेस होता है जिसमें कि कई सारे पैरेलल लाइंस को रूल करके रखते हैं। ठीक है, तो इसका भी जो प्रिंसिपल होता है वो डिफ्रैक्शन पर ही बेस्ड होता है। ठीक है, तो अगर आपने देखा हो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, तो ये जो आपके पास ऑप्टिकल डिवाइस होता है इसमें भी डिफ्रैक्शन का यूज करते हैं, और उसमें उससे भी ये प्रूफ होता है कि जो डिफ्रैक्शन तभी हैपन होता है जब आपका साइज जो है ऑब्स्टिकल का वो वेवलेंथ के कंपेरेबल है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 में यही बात लिखी गई है कि इट मस्ट बी ऑफ द सेम ऑर्डर एज द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। ठीक है, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।